राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वे दोनों भले ही देख अलग अलग दिशा में रहे थे, लेकिन उन दोनों का लक्ष्य एक ही था, दलित अछूतोद्धार। और दोनों ने इसके लिए बहुत कार्य किया। पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के लिए अपने जीवन का 10 वर्ष लगाया। 1931 के बाद तो लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश करना, पानी पिलाना, ऐसे कई आंदोलन खड़े किए। यहाँ तक कि जब सभा में जाते थे और वहाँ पे दलितों के बैठने की अलग व्यवस्था की जाती थी, बाड़ा बनाया जाता था, तो उसको तुड़वा देते थे और सबको एक साथ बिठाते थे। पहले पहले जब 1931 में या 30 के आसपास गांधी जी से डॉक्टर अंबेडकर ने भेंट की, तो गांधी जी को लगा कि यह कोई सुधारवादी ब्राह्मण है। लेकिन बाद में जब उन्हें पता लगा कि यह अछूत समाज से, तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनकी बौद्धिकता से, उनके ज्ञान से, उनके प्रयासों से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद में उन दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध बना कि अंतिम समय में जब गांधी जी को गोली मारी गई, तब अंतिम समय में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर थे और अंतिम समय तक उनके साथ में बने रहे। बहुत सारे लोग उन दोनों के बीच में मतभेदों को लेकर के लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सही है, कुछ बातों का मतभेद था, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसी कोई कटुता नहीं थी, मनभेद नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते थे, लेकिन गांधी जी ने कभी इस तरह की आलोचना नहीं की। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि हिंदू धर्म में कोई कुरूति नहीं है। हिंदुओं में भले कुछ कुरूतियाँ मिल जाए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर कोई कुरूति नहीं है। और वे उसी को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, भारत रत्न रहे और देश के करोड़ों युवाओं को आज भी मार्गदर्शन देते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर करोड़ों युवा चल रहे हैं। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी विभूति रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा, जब डॉक्टर अंबेडकर और ब्राह्मण सविता का विवाह हुआ, उसके बाद कहा कि अगर आज महात्मा गांधी होते तो बहुत खुश होते। बात भी ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के बहुत सारा समय अंतरजातीय विवाह के अंदर भी लगाया था और अनेक लोगों का अंतरजातीय विवाह भी करवाया था। डॉक्टर अंबेडकर को हमारे भारत में याद करने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने जब कानून बनाए, तब हिंदू धर्म में सुधार के अनेक प्रयास किए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के अनेक प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर भारत के लिए एक अमूल्य निधि रहे हैं।